नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेंडर स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इजीली अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख सकते हो, ठीक है। बट आप अगर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज अपने मेहनत के पैसे से पहले ही मार्केट में जाके अपना किस्मत नहीं आजमाना है, बिकॉज आपको पहले पेपर ट्रेड करके सीखना है, ठीक है। पेपर ट्रेड करके सीखना है। अगर कोई आपको आपसे कहता है कि रियल फील्ड में, रियल मार्केट में आके प्रैक्टिस करे, हाँ, तो प्लीज मत कीजिएगा। पहले आपको पेपर ट्रेड करके सीखिए। जब आपको पूरा एकदम अपने आप पे विश्वास आ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए, आपका जो साइकोलॉजिकल पूरा इम्बैलेंस जो रहता है वो बैलेंस्ड हो जाए, तब जाके आप रियल मनी से डीमैट अकाउंट खोल के फिर जाके आप ट्रेड करें। ये आपके अच्छे के लिए है। देखिए, कोई भी कहता है ना, आपसे अगर गलत ट्रेड हो रहा है बार बार, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके देखिए आपको लॉस नुकसान हो रहा है, फायदा किसी और को हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? ब्रोकरेज हाउसेस को हो रहा है, ठीक है। क्यों दूसरे को पैसा देना है? मेहनत कीजिए, सीखिए, है ना। तो दूसरा जो है, इसके जो आपको बेसिक मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपके इसमें रूल्स है, इस रूल्स को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। ये डेली ट्रेडिंग रूल्स है, इसको जरूर फॉलो कीजिए, ये आपको समझ में आएगा। इसको मान के चलेंगे, आपके नुकसान बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल। ओके, सो हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पे। कल के लिए, मतलब आज के लिए मैंने कल कौन सा स्टॉक दिया था? परसिस्टेंट। मैंने क्या कहा था? इसमें बाइंग साइड का तो होना ही नहीं चाहिए, जस्ट इसमें आपको सेल साइड में ही देखना है। और ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में भी छोड़िए, 5 मिनट में देख लीजिए दोस्तों आपका कितना अच्छा ट्रेड लिया होगा। देखिए 15 मिनट में देखिए 25, मतलब कितना शानदार ट्रेड आपको मैंने कब दिया था ये, कितने पे दिया था देख लेता हूँ। 3593 के यहाँ पे नीचे मैं सेल आउट करने के लिए कहा था, टारगेट था 3571 एंड 3553, राइट। इसमें मैंने दोनों ही कहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने। और इसने देखिए 3593 से अगर 93 छोड़ी है, अगर 3590 में भी किसी ने सेल आउट किया है, तो इसका जबरदस्त आपको 300 पॉइंट्स का 3281 तक का इसका लो लगा, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का आपको आज गेन मिला होगा। सिर्फ 10 शेयर लेके भी किसी ने ट्रेड किया होगा तो 3000 रुपये आज उसके बने होंगे, ठीक है। तो ठीक है, जिसने किया, मेरे को तो आता नहीं है, बहुत लोग कॉमेंट्स में बताते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को जितना आता है दोस्तों मैं उतना बताता हूँ, मुझे उतना एकदम हाईफाई नहीं आता है। मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम चैनल में भी मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि पैटर्न कैसे है, पैटर्न से कैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह नहीं देता हूँ, बिकॉज मेरा कोई पर्सनल ग्रुप भी नहीं है कि मैं आप लोगों को वहाँ पर ट्रेड दूँ, गलत हो चाहे सही हो, मैं ये सब ढिंडोरा भी नहीं पीटूंगा। मैं सिंपली तरीके से आपको ट्रेड देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेड में। और प्लीज देखिए, मार्केट में बहुत आदमी है, उनको मुझसे बहुत लाख गुना अच्छा आता है मार्केट में काम करना, ठीक है। लेकिन मैं अपने तरीके से, मैंने जो सीखा है मैं आप लोगों को वही देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कल के इंट्राडे स्टॉक के मैं जाने से पहले, कि प्लीज ये जो आप लोग बोलते हो ना शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में मैंने डुबा दिया, मैंने शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में डुबा नहीं दिया दोस्तों। जो कंपनीज दिए हैं वाकई में वो कंपनीज में आज भी कहता हूँ वो सब अच्छे कंपनीज है, हाँ, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 8 महीना 9 महीना 10 महीना हो गया वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट अभी देखिए मार्केट का हालत देखिए क्या हालत है, ऑलरेडी अच्छे से अच्छे ये कंपनी टूट गई है। तो ये मत कहिए कि मैंने डुबा दिया, मैंने कभी किसी को नहीं डुबाया, ठीक है। बाद में कि जो भी है आरोप लगाना है लगा दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, कल के इंट्राडे स्टॉक में हम लोग देख लेते हैं, वो है एशियन पेंट्स, ठीक है। एशियन पेंट्स में भी आपको जबरदस्त मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑलरेडी आज के डेट में इसका जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन को आज के डेट में इसने देखिए मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 टाइम्स सपोर्ट लिया था, आज फिफ्थ बार में इसने तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो ये जो इसको भी इसने तोड़ के आज इसमें नीचे फॉल आउट दिया है, ठीक है, नीचे फॉल आउट इसने किया है। तो कल के डेट में, कल के डेट में मार्केट अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है या फिर नेगेटिव ही ओपन होता है, तो कल मार्केट खुलते आप शॉर्ट सेल इसमें कर सकते हो, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। जब मार्केट खुलते ही अगर कोई ट्रेड ले तो उसको बहुत ज्यादा क्विक होना चाहिए और अच्छा एग्जीक्यूशन होना चाहिए उसके पास, तो अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। और देखिए सेफ ट्रेडर को क्या करना है, मार्केट खुलते हुए वेट करना है और आराम से 2826 के नीचे आपको शॉर्ट सेल करना है। 2796 आपका फर्स्ट टारगेट एंड 2770 विल बी आवर सेकेंड टारगेट, ओके, ऑलमोस्ट 56 पॉइंट्स में आपको दे रहा हूँ कल इस ट्रेड में, ठीक है। 30 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट एंड 20 पॉइंट्स अनदर टारगेट, मतलब दूसरे में, तो आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा हूँ, इजीली आप एक्वायर कर सकते हो। और अगर कल इसका ये मेजर 2736 को भी अगर तोड़ेगा तो ये नीचे और आने की उम्मीद है, ठीक है, तो कल इसमें शॉर्ट सेल में ही हम जाएंगे। सिर्फ देखिए ये आप लोगों को लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रेड एग्जीक्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हैं बट इसमें पॉइंट हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, ये है सिंपली। और बात में कि देखिए जिनको अच्छा लगता है मेरे साथ ट्रेड करने में, जिनको अच्छा लगता है मेरे स्टॉक्स, जिनको भी पसंद है वो प्लीज मेरे साथ बने रह सकते हैं, अदरवाइज जिनको अच्छा नहीं लगता वो प्लीज जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक से बढ़कर एक शानदार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना डिलीवर करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, बाय।